नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट किस फैमिली में। एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को सूचित किया था कि उत्तर प्रदेश में डीएलएड 2018 बैच के सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह तक हो सकती है। दोस्तों, उस वीडियो में मैंने पूरा प्रोसेस बताया था कि क्यों इतना विलंब हो सकता है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। दोस्तों, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और अब आप लोग के क्वेरी इस संदर्भ में आ रहे थे कि कापियों का मूल्यांकन कितना समाप्त हो चुका है और कब तक कापियों का मूल्यांकन चलने वाला है। तो अभी कापियों के मूल्यांकन के संदर्भ में, वर्तमान स्थिति के संदर्भ में इस वीडियो में मैं बात करूंगा, और साथ ही स्कॉलरशिप मुद्दा, जो कि एक ज्वलंत मुद्दा है उत्तर प्रदेश में डीएलएड 2018 बैच के लिए, उस मुद्दे पर भी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कापियों के मूल्यांकन के संदर्भ में। दोस्तों, विभिन्न जिलों के डैट्स पर कापियों का मूल्यांकन लगभग 80% तक समाप्त हो चुका है। दोस्तों, एक डायट के संपर्क के माध्यम से मैं आप सभी को सूचित कर रहा हूँ कि लगभग 80% तक कापियों का मूल्यांकन समाप्त हो चुका है कुछ डायट्स पर। हालांकि कापियों का मूल्यांकन थोड़ा विलंब हो सकता है, तो यह प्रस्तावित पहले से थी कि अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह तक हो सकता है कि कापियों का मूल्यांकन पूर्ण रूप से समाप्त कर लिया जाए लगभग सभी डायट्स पर। दोस्तों, यहाँ पर एक दो डायट्स आप मान सकते हैं कुछ कापियों के मूल्यांकन में विलंब हो सकती है, क्योंकि जैसा कि एक वीडियो के माध्यम से मैंने सूचित किया था कि कुछ डायट्स पर अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं शिक्षक कापियों के मूल्यांकन के लिए। तो बहुत ज़्यादा ये चांसेस हैं कि फर्स्ट वीक तक लगभग सभी जिलों के डायट्स में कापियों का मूल्यांकन समाप्त कर लिया जाएगा। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, स्कॉलरशिप मुद्दे पर। दोस्तों, स्कॉलरशिप मुद्दे पर वर्तमान स्थिति भी वही है जो कि मैंने बात की थी आपसे पहले। देखिए दोस्तों, अब 10 अक्टूबर 2019 जो कि स्कॉलरशिप के लिए लास्ट तिथि है, उस तिथि तक रिजल्ट की घोषित हो पाना लगभग असंभव है। तो दोस्तों, आपके स्कॉलरशिप के लिए एक ही उपाय ये बनता है कि आप सभी प्रयास करके कैसे भी ज्ञापन दे करके डेट को आगे एक्सटेंड कराने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी डेट रनिंग में है स्कॉलरशिप के लिए और 10 अक्टूबर इसके लिए लास्ट डेट है। अगर अभी आप लोग प्रयास करके डेट आगे एक्सटेंड कराने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी बातें सुनी जाएंगी, क्योंकि प्रोसेस अभी रनिंग में है। लेकिन एक बार अगर डेट एक्सपायर हो गई तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि फिर से आपके लिए पोर्टल को रीओपन किया जाए। तो अभी आप लोग का प्रयास ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोग प्रयास करके कैसे भी डेट को आगे एक्सटेंड कराइए। दोस्तों, इसमें तीनों की मध्यस्थता जरूरत है, शासन की, समाज कल्याण विभाग की और साथ ही साथ पीएनपी की। तो जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस जिला समाज कल्याण विभाग पर जा करके इसके संदर्भ में ज्ञापन दे करके आगे डेट फॉरवर्ड करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करिए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।